अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये जो सबक जो है यस्सन कुरान के कायदे के अंदर पेज नंबर 13 पर लाइन नंबर जो है 9, 10 और 11 आपके सामने हैं। इसे मैं हिजे और रवा करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये मुख्तलिफ निशानियों के मश्क हैं जिसे बगौर आप देख कर समझने की कोशिश करें। पढ़े, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سين زير سي سين زبر سا سين پیش سو سيسا سو سين زبر سا سين پیش سو سين زير سي سسو سي ميم زير مي ميم پیش مو मीम जबर म मीमु म मीम पेश मु मीम जबर म मीम जेर मी मुमा मी शीन जेर शी शीन जबर श शीन पेश शु शिशा शु शीन जेर शी शीन पेश शु शीन जबर श शिशु श दाल जबर द दाल जेर दी दाल पेश दू ददी दू दाल जेर दी दाल पेश दू दाल जबर द दिदू दाल जबर दाल पेश दू दाल जेर री रदू री दाल पेश रू दाल जेर री दाल जबर द रू री द। माशाल्लाह, अब तीनों लाइन को हमने हिज्जे किया। अब तीनों को जो है रवा पढ़ते हैं। सीसा सू ससू सी मीमु मा मुमा मी शिशा शु शिशु श ददी दू दिदू दुजी जुजी द। माशाल्लाह, इस सबक को जो है हिज्जे और रवा बार बार देखकर मश्क करने की कोशिश करें ताकि ये सबक पक्का हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सबक पक्का करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक 0 नंबर का उर्दू का कायदा है जिसमें आखिरी लाइन जो है आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मश्क हैं ज़ेर ज़बर पेश के। तो ये एक लाइन जो है नीचे, आज हम उसको मश्क करेंगे। तो आप अपनी तवज्जो जो है पूरी यहाँ पर रखें। पढ़िए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह, सीन ज़बर स मीम ज़ेर मी عين زبر ع ز پیش زو ف زبر ف ر پیش رو واو پیش وو۔ اب اس کو روا پڑھیں گے۔ س می ع زو ف رو وو۔ ماشاءاللہ، آج کا ایک تھوڑا سا سبق تھا لیکن انشاءاللہ کل سے پیج نمبر 14 پر ज़्यादा सबक पक्का करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमको सबक पक्का करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।